हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। आज मैं आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स टाइम पीरियड 964 to 971। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स के प्लेस में। एक्चुअली ट्रांसिस्टर यूज इन दीज कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स में जो ट्रांसिस्टर यूज होते थे वह मच स्मॉलर, बहुत ही छोटे थे, बहुत ही अधिक छोटे थे। एंड वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन चिप्स पर प्लेस्ड थे। कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स कहे जाते थे। दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉल एंड चीपर देन द अर्लियर वंस। बहुत ही जो पहले की जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, अगर उनसे हम कंपेयर करें तो इनकी साइज छोटी थी और ये सस्ते थे। यूज्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे। वह कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग के कैपेबल थे। हैड डेडिकेटेड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स, और इनपुट और आउटपुट यूनिट्स को डेडिकेट करते थे। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। वर अफोर्डेबल टू कॉमन मैन, और कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल थे। यूनिवेक 1100 एंड IBM 360 आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के यूनिवेक 1100 एंड IBM 360 ये एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका IBM 360 कंप्यूटर है एंड दिस यूनिवेक 1100। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 971 टू प्रेजेंट। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर्स, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे। एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप्स, जैसे वन सिंगल सिलिकॉन चिप्स में थाउजेंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिल्ड होते हैं। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स फिल्ड एन एंटायर रूम, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स पूरी रूम जिनसे फिल हो जाता था उस समय, नाउ फिट्स इन द पाल्म ऑफ हैंड, और अब के जो कंप्यूटर्स हैं वो हम हैंड के पाल्म में ही फिट हो जाते हैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल एंड वर्सेटाइल, बहुत ही पावरफुल थे और वर्सेटाइल थे। वर्सेटाइल मीन्स एक साथ बहुत से काम कर सकते थे। हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, उसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी थी। आर कैपेबल ऑफ नेटवर्किंग विद अदर कंप्यूटर्स, और अदर कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्किंग के ये कैपेबल थे। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। और पोर्टेबल एंड स्मॉल इन फॉर्म फैक्टर, पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता था, एंड स्मॉल और साइज में ये स्मॉल होते थे। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टेबल्स एंड टैबलेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट टू फ्यूचर, इसका टाइम पीरियड है प्रेजेंट टू फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, डिवाइसेस थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड थे। आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंडर। दीज कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हाई सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस एट अ वेरी फास्ट स्पीड। ये जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही जो कॉम्प्लिकेट जो ऑपरेशंस होते थे उनको भी बहुत ही स्पीड से, फास्ट स्पीड से परफॉर्मेंस कर सकते थे। यूज नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। कैन निकोज ने स्पीच एंड हैंड राइटिंग पैटर्न्स, स्पीच और हैंड राइटिंग जो पैटर्न्स थे उनको रिकॉग्नाइज कर सकते थे। कैन कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ओवर नेटवर्क, और नेटवर्क पर अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, थिंकिंग एंड मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, और लर्निंग, थिंकिंग और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के कैपेबल थे। कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते थे। एंड इम्प्रूव देयर फंक्शनिंग, और अपने कार्य को और इम्प्रूव कर सकते थे।
Super computers, robots and smart cars are some examples of fifth generation computers. Fifth generation computers की examples दिए हुए हैं, super computer, robot and smart car. Okay, thank you.